हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेसिपीज ट्राइड एंड ट्रू। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रसमलाई केक। जी हाँ, जितना कि ये देखने में टेम्पटिंग लग रहा है, उतना ही ये खाने में भी टेस्टी है। तो इस लॉकडाउन हम केक कहाँ से लाएं, और मदर्स डे आ रहा है तो चलिए देखते हैं कि घर पर ही इसे कैसे बनाएं। इसके लिए हम देखेंगे कि हम रसमलाई कैसे बनाएंगे, साथ ही रसमलाई के लिए जो हमें रबड़ी की नीड होती है वो कैसे बनाएं, और जो बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट पनीर है हम वो भी देखेंगे कि हम उसे भी घर पर ही कैसे बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक डीप वेसल में दूध ले लें और दूध को बॉयल होने दें। जब दूध एक बार बॉयल हो जाए तो उसमें नींबू डालेंगे, जिससे कि पनीर के लिए दूध को कड़ल होने में आसानी होगी। जैसे ही हम नींबू डालेंगे उसे चलाना है और हम देखेंगे कि दूध कड़ल होना स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पनीर बनाने के लिए नींबू भी यूज़ कर सकते हैं या फिर खट्टा दही या विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। जब दूध कड़ल हो जाए तो उसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन कर लेना है और उसे स्क्वीज़ करना है और एक पनीर की ब्लॉक शेप में बना देना है और रेस्ट करने रखना है। तो हम देखेंगे कि हमारा परफेक्ट पनीर बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं कि रबड़ी कैसे बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले दूध को अच्छे से बॉयल करेंगे, और जब दूध बॉयल होगा तो उसके ऊपर क्रीम आनी स्टार्ट हो जाएगी और हमें इसे चलाते रहना है। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे चलाना है और इसमें थोड़ा सा सैफ्रन मिल्क भी डाल देना है, जिससे कि रबड़ी के लिए येलो कलर आ सके। दूध को चलाते रहें और हम देखेंगे कि दूध पकना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। तो हम देखेंगे कि दूध 25% रह गया है। इसे बहुत अच्छे से चलाएंगे और अब इसमें चीनी डालेंगे और अच्छे से डिसॉल्व कर देंगे। यहाँ चीनी हम अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब चीनी डिसॉल्व हो जाए तो हमारी रबड़ी बनकर एकदम तैयार है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद इसे रेफ्रिजरेट कर लेंगे। अब बनाना स्टार्ट करते हैं रसमलाई। तो सबसे पहले पनीर को अच्छे से नीड कर लेंगे, और हमें पनीर को तब तक नीड करना है जब तक कि वो उसका टेक्सचर स्मूथ ना हो जाए। जब टेक्सचर स्मूथ हो जाए तो उसका एक पोर्शन लेंगे और उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। इसी तरीके से हम पनीर से सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। जब हमारी बॉल्स बन जाएंगी तो एक अगेन डीप वेसल में चीनी डालेंगे और उसमें पानी डालेंगे और चीनी को अच्छे से डिसॉल्व होने देंगे। करीब 10 मिनट्स तक हम इसे बॉईल करेंगे और अब शुगर सिरप में प्रिपेयर्ड पनीर बॉल्स डाल देंगे। हमें इन प्रिपेयर्ड पनीर बॉल्स को करीब 10-15 मिनट्स के लिए कवर करके बॉईल करना है, और हम देखेंगे कि पनीर बॉल्स डबल इन साइज़ हो गई है। इसे शुगर सिरप से निकाल लेंगे और इस पे चिल की हुई रबड़ी स्प्रेड कर देंगे, और साथ ही में कुछ चॉप ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि पनीर बॉल्स अच्छे से मिल्क को सोक कर लें। तो चलिए अब केक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ऑल पर्पस फ्लावर, दही, पाउडर्ड शुगर, ऑयल, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बोल में दही डालना है। अब इसमें पिसी हुई चीनी डालनी है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने नॉर्मल चीनी को पाउडर कर लिया है, और साथ ही में इसमें ऑयल डालना है। ये नो सेंटेड ऑयल है, जैसे कि सोयाबीन ऑयल, और वनीला एसेंस डालना है और इसे अच्छे से विस्क कर लेना है। ये केक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एज हमें इसे तब तक विस्क करना है जब तक कि एक स्मूदी और फ्लफ़ी टेक्सचर ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप इसका कोई भी स्टेप मिस ना करें और आप एक परफेक्ट रसमलाई केक घर पर ही बना सकें। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से विस्क हो गया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे और इसे कट एंड फोल्ड मेथड के साथ
वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी केक जैसी हो जाए। यहाँ याद रखिए कि हमें इसे ओवर मिक्स नहीं करना है। लास्ट में इसमें कुछ टूटी फ्रूटी और साथ ही में चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और अगेन कट एंड फोल्ड करते हुए बैटर में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस केक की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हमारे पास ओवन नहीं है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे गैस पे बनाने वाले हैं। सबसे पहले एक डीप वेसल को 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लेना है और मीन वाइल हम केक मोल्ड को ऑयल से ग्रीस करके प्रिपेयर कर लेंगे। ऑयलिंग करने के बाद इसमें हम केक बैटर को पोर कर देंगे और इसे डबल टैप कर देंगे जिससे कि एक्सेस एयर केक से निकल जाए। अब हम केक को वेसल में रख देंगे और करीब 40 मिनट्स के लिए कवर करके बेक होने देंगे। आफ्टर 40 मिनट्स हम टूथपिक डाल के चेक करेंगे तो हमारी टूथपिक एकदम क्लीन आ रही है, दैट मीन्स हमारा केक बनकर रेडी हो गया है। केक को अच्छे से ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम उसे डीमोल्ड करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हम क्रीम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैंने 4 स्कूप क्रीम को अच्छे से विस्क कर लिया है जब तक कि ये फ्लफ़ी ना हो जाए। साथ ही में इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दिया है और फिर से इसे अच्छे से विस्क कर लिया है। इसको हमने तब तक विस्क करना है जब तक कि ये पीक फॉर्म ना हो जाए, और चेक करने के लिए हम उसे इन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब केक की आइसिंग करते हैं। केक को 2 पार्ट्स में कट कर लेना है और बॉटम लेयर पे क्रीम अच्छे से स्प्रेड कर देनी है। अब हम केक की सेकेंड लेयर को केक के ऊपर प्लेस करेंगे और पूरे केक को क्रीम से आइस कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बनने में कितना अच्छा लग रहा है और इसका जो येलो कलर है वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हमें केक को अच्छे से आइस कर लिया है और उसकी एजेस और कॉर्नर को क्लीन कर लिया है। अब हमें इस पे लाइंस मार्क करनी है जिससे कि हम इस पे रसमलाई प्लेस कर सकें। लास्ट में हम इस पे रसमलाई प्लेस करेंगे और साथ ही में कुछ चॉप ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि कितनी इजीली हम रसमलाई के घर पर ही बना सकते हैं। तो इसे किसी भी ओकेजन पे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और जाते जाते कमेंट ड्रॉप करना ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड स्टे ट्यून्ड।